नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और जिसका था बेसब्री से इंतजार, वो सीएसआईआर ने रिजल्ट जारी करके दूर कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में ये दुविधा चल रही थी कि स्कोर कार्ड आ गया है, कट ऑफ कब आएगा, परसेंटाइल में कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कितने परसेंटाइल में किस कैटेगरी वालों का होगा, मेरे इतने परसेंटाइल आ रहे हैं क्या मेरा होगा। तो ये सारी दुविधा आज और अभी सीएसआईआर ने दूर कर दिया है। कैसे दूर किया है? उन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया है। तो सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 और जून 2023 का जो एग्जाम अभी मर्ज होकर शुरू हुआ था, उसका कट ऑफ सीएसआईआर एचआरडीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहा। तो जेआरएफ की अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ बात हो रहा है। तो जेआरएफ के लिए आप देखिए, यहाँ पास अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 98.9915884 इतना कट ऑफ गया है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जो कट ऑफ है 97.07314 67। फिर ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी के लिए कट ऑफ है 96.45402। और अगर इसके आगे हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो 91.97943 82 ये कट ऑफ रहा है। फिर अगर एसटी के लिए मैं बात करूं, तो एसटी के लिए कट ऑफ है, जेआरएफ की बात हो रही है दोस्तों, 86.13802 94। और पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें, तो ये इनका कट ऑफ रहा है 75.8571 048। तो ये जेआरएफ के लिए है। मतलब क्या इनका एलएस नहीं हुआ? नहीं, जिन्होंने जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर किया है उनका जेआरएफ भी है और प्लस उनका नेट मतलब लेक्चररशिप का भी रिजल्ट या मार्कशीट आ जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है, वो आप इंतजार करिए, कुछ दिनों बाद वो अपने आप अपडेट आ जाएगा। लेकिन केवल जिन्होंने लेक्चररशिप क्वालिफाई किया है कैटेगरी वाइज, अभी जो एग्जाम हुआ था, जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल इंडिया में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब एलिजिबल हो चुके हैं, उनकी बात करते हैं। तो अनरिजर्व के लिए केवल एलएस के लिए जो कट ऑफ गया है 97.39042 75। फिर अगर ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस के लिए एलएस का कट ऑफ है 94.80 5453। फिर अगर ओबीसी की हम बात करते हैं, तो ओबीसी के लिए कट ऑफ रहा है 93.77409 02। इसी तरीके से एलएस के लिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ 88.17944 81 इतना गया है। फिर एसटी कैटेगरी के लिए क्या रहा दोस्तों? तो एसटी कैटेगरी के लिए 81.34 3849 ये रहा है। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए एलएस का कट ऑफ क्या रहा है? तो 75.85710 48। तो ये एलएस और जेआरएफ की दो कैटेगरी है। किसी का यूजीसी में जेआरएफ हुआ होगा, किसी का सीएसएआर में जेआरएफ हुआ होगा, तो उसके लिए तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो कैसा रहा दोस्तों? बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनके मन में अभी दुविधा चल रही है, उनके लिए हम जल्द से जल्द एक वीडियो बनाएंगे कि जो असफल रहे हैं वो उनकी असफलता नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बस थोड़ा सा और मेहनत करना है। अगली बार मतलब दिसंबर में जो एग्ज़ाम आ रहा है, डेफिनेटली वो क्रैक करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आईएफएस के साथ एक बेहतर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और दिसंबर जिनका टारगेट है, हिट द सब्सक्राइब बटन, सीएसएआर क्रैक करके रहेंगे 2023 दिसंबर का। थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़िए आईएफएस के साथ।